नमस्कार, सुप्रभात। अगर आज सूरज की पहली किरण देखने का मौका मिला है तो आज सवेरे की शुरुआत परमात्मा के शुक्राने के साथ। जी हाँ, हर नया दिन परमात्मा की दी एक सौगात ही तो है, बहुत कुछ छिपा है इसमें। हर सुबह पिछली सुबह का विस्तार होती है। पिछली सुबह के बाद से पूरे दिन और रात के साथ होता है उसका रिश्ता। इस तरह हर सुबह जोड़ देती है हम सबको कल से। पेड़ पौधे, पशु पक्षी, नदी झरने सब विस्तार पाते हैं सुबह सुबह। ऐसा लगता है जैसे सभी निकल पड़े हों नए उमंग के साथ, नए जोश के साथ, कल से कुछ बेहतर करने के लिए, हवाओं के संग, सूरज की किरणों के संग। कहा जाता है कि अगर आगाज अच्छा हो तो अंजाम के बेहतरीन होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। आज सवेरे का आगाज आज के विचार के साथ। महान दार्शनिक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा है, बुद्धि का विकास मानव के अस्तित्व का अंतिम लक्ष्य होना चाहिए। कल्टीवेशन ऑफ माइंड शुड बी द अल्टीमेट एम ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस। हमारा आज हमारे बीते कल पर ही टिका है। इतिहास में 14 अप्रैल 1699 में आज ही के दिन गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें और अंतिम गुरु थे। 1865 में अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन को वॉशिंगटन के फोर्ट थिएटर में जॉन विल्किस बूथ ने गोली मार दी और अगले दिन उनकी मौत हो गई। आज ही के दिन 1891 में भारतीय संविधान के मुख्य शिल्पकार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म हुआ था। वे कानूनविद, अर्थशास्त्री, आजाद भारत के पहले विधि मंत्री और दलित समुदाय के बड़े नेता थे। डच भूविज्ञानी रेनॉट वैन बेलमीन का जन्म आज ही के दिन 1904 में हुआ था। इंडोनेशिया के भूविज्ञान के अध्ययन में उनका बड़ा योगदान रहा है। दुनिया भर में मशहूर टाइटैनिक जहाज अपनी पहली यात्रा के दौरान आज ही के दिन हिमशैल से टकराया था। उस पर सवार 1500 से ज्यादा यात्री और क्रू मेंबर्स मारे गए थे। बॉलीवुड की प्रसिद्ध पार्श्व गायिका शमशाद बेगम का आज जन्मदिन है। आज ही के दिन 1922 में प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय संगीतज्ञ, सरोद वादक उस्ताद अली अकबर खां का जन्म हुआ था। आज सवेरे में आज हमारे साथ एक बहुत ही खास शख्सियत मौजूद हैं। वी हैव सुश्री पापोरी गोस्वामी विद अस। बहुत बहुत स्वागत है पापोरी आपका। नमस्कार। आज 14 अप्रैल है और आसाम से आप बिलोंग करती हैं। जी हाँ। तो बिहू की ढेर सारी शुभकामनाएं आपको। जी, आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। बिहू से किस तरह जुड़ी हैं आप? स्कूल में जब पढ़ती थी तो बिहू डांस होता था स्कूल में, फंक्शंस में, वहाँ से शुरुआत हुई थी। लेकिन डांस तो एक माध्यम है, एक पूरी माहौल जो है। मैं बचपन में नाना के घर में बहुत रही हूँ तो वहाँ भी पूरा प्रकृति बदल जाते हैं, पूरे हरे भरे पत्ते और सब कुछ अंदर समा जाते हैं, जैसे बहुत खुशियाँ हैं और बहुत ज़्यादा खुशियाँ हैं। 7 दिन का सेलिब्रेशन है ये? 7 उत्सव 7ों दिन में करते हैं। जैसे पहले दिन गाय के पूजा होते हैं, गाय को खिलाया पिलाया जाता है, नहलाया जाता है, इस तरह से है। और उसके बाद दूसरे दिन मनुष्य के लिए होते हैं कि आप बड़ों को प्रणाम करते हैं, आशीर्वाद लेते हैं, पकवान बनते हैं और फिर आशीर्वाद लेते हैं। और उसके बाद फिर जैसे हल खेती से रिलेटेड है क्योंकि संबंध रखते हैं, तो हल की पूजा होती है। और एक और भी होता है, एक दिन ऐसा भी होता है कि बेटियां अपनी माँ के घर आती हैं और पूरे परिवार के साथ आती हैं, तो उसकी भी उस दिन उसके लिए, बेटी के लिए होती है, इस तरह से होता है। और एक दिन चेरा बिहू आखिरी वाला दिन ऐसा होता है जिसमें दही चावल खाए जाते हैं और पंखे की हवा, मतलब जो ताल के पात के पत्ते की पंखा बनते हैं पंखे, उसकी हवा लिया जाता है। उसी दिन से कहते हैं कि ग्रीष्मकाल भी थोड़ा शुरू हो गए हैं, तो अब आज से हम हवा ले सकते हैं। एक खास व्यंजन भी है नॉर्थ ईस्ट का जो बिहू के त्यौहार के दौरान मनाया जाता है, पीठा। जी, ये बोरा चावल, एक बहुत स्टिकी, बहुत चिपकी, चिपकने वाले चावल होते हैं जिसको सूखा ही रखते हैं और उसमें पानी नहीं डाले जाते। उसका जब उसे कूटा जाता है और पाउडर उसके बनते हैं,
तो उसे दबा दबा कर रखते हैं और फिर उसको उसको फैलाते हैं तवे में, और उस पर नारियल या तिल गुड़ के साथ भरा जाता है, फिर उसको रोल करते हैं, जैसे डोसा होते हैं उस तरह से रोल करते हैं उसे। त्योहारों की शुरुआत किसी न किसी मकसद के साथ की गई, लेकिन उम्र के साथ साथ इसके मायने बदलते चले जाते हैं। हम लोग बड़े होते हैं, बहुत सारी चीज़ें बढ़ते जाते हैं, लेकिन बिहू में एक ख़ास बात है, रंगाली बिहू में खासकर ये है कि हम कितने ही बड़े क्यों ना हो जाएं, लेकिन बिहू में ऐसा है कि अभी अगर कहीं बिहू गाना और बज रहे हैं या नाच रहे हैं कोई, तो हम भी झूम जाते हैं। वो बिल्कुल उसी समय में पहुंच जाते हैं कि कुछ, क्योंकि वसंत उत्सव जो असम के हैं, नॉर्थ ईस्ट के हैं, उसमें वो प्रेम और विवाह से रिलेटेड है, उससे संबंध रखते हैं। उसी समय लोग शादी ब्याह करते हैं या प्रेम के संदेश देते हैं, एक दूसरे को पसंद करते हैं। वहाँ जो मुकोली बिहू जिसे कहते हैं, जो ओपन खुले जगह में होते हैं, शायद 1941 के बाद ये मंच पे आया, लेकिन उससे पहले ये मुकोली और अभी भी ओपन खेतों में होते हैं वो लोग महीने भर के लिए। वैसे आपने कहा कि 7 दिन के हैं, लेकिन ये पूरे महीना चलता है, पूरा बैसाख महीना चलता है। जो ट्राइबल एरियाज़ है उसमें तो खुले जगहों में वो महीना भर के लिए चले जाते थे और वो लोग पूरा नाचते थे, गाते थे और घर में लौटते नहीं थे, और इसी तरह से मनाते हैं और सब खुशियाँ ही खुशियाँ होते हैं। नॉर्थ ईस्ट का जैसे आपने कहा कि ग्रीष्मकाल शुरू होने वाला होता है, कहीं ना कहीं तैयारियां हैं ये गर्मियों की, खेत खलिहान की। खेत खलिहान की, हाँ, गर्मी की शुरुआत मतलब वही मौसम बदलते रहते हैं, तो धीरे धीरे जेठ का महीना आएंगे उसकी तैयारियाँ करते हैं, उसी तरह के है। जब चार कुट से भी आप जुड़ी होंगी, मिजोरम जो नीले पहाड़ों का स्टेट कहा जाता है, जी जी जी, ऐसे में वहाँ का एक बैम्बू डांस बहुत ही प्रसिद्ध है, लोकप्रिय है, जी जी, तो उसकी सिग्निफिकेंस क्या है? बैम्बू डांस एक्चुअली बैलेंस करने के लिए, मतलब एक संतुलन बनाए रखने के लिए है, और एक डिसिप्लिन जो लाइफ एक जिंदगी में एक डिसिप्लिन लाते हैं वो, और उसकी रिदम होते हैं जो आपको एक बांधे भी रखते हैं और लेकिन मुक्त होते हैं। आप मन से एकदम खुले हैं और आप जानते हैं आपके पैर कहाँ पड़ेंगे, और जो बैम्बो जब बदला जाता है तो पैर उसमें फंसना नहीं चाहिए। तो इसी से ये होता है कि आप अपने मन से कितना संतुलित है, और लेकिन आप बहुत आनंद में हैं और बहुत खुशियाँ मना रहे हैं और आप एक अच्छी जिंदगी जी रहे हैं। जब त्योहारों की बात की जाती है, खुशियाँ लेकर आते हैं, लेकिन नॉर्थ ईस्ट के त्यौहार खास तौर पर खूब रंगों से, संगीत से और नृत्य से भरे हुए हैं। जी जी, बिहू संगीत की अगर बात करते हैं तो क्या खासियत है इस त्यौहार के दौरान इस संगीत की? इस संगीत की यही है, सबसे बड़ी खासियत तो ये है कि ये प्रेम के संदेश लाते हैं, बुलाया जाता है और सुंदरता के वर्णन करते हैं प्रकृति के साथ साथ, और एक जो ये जो खेत है, एक जो सृष्टि है, औरत को बिल्कुल ज़मीन के साथ, एक सृष्टि के साथ एकदम मेल खाता हुआ ये बना मतलब समझा जाता है, और इसी तरह से संबोधित भी किया जाता है कि फूल नाहर एक बहुत सुगंधित फूल है, केतकी एक बहुत सुगंधित फूल है, और एक केतकी एक चिड़िया भी है जो रात को आखिरी तीसरे पहर में बोलते हैं, और ये सारे चीज़ें कंपेयर करके मतलब मिला जुला के इसके है, और प्रेम संगीत है एक तरह से कहना चाहिए। इंस्ट्रूमेंट इन त्योहारों में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। जी हाँ, ये भैंस के सींग से पेपा बोलते हैं उसको, उसे बजाया जाता है, उससे बहुत सुरीली होते हैं। ट्राइबल में ढोल होते हैं, खोल ये सब होते हैं, मृदंग ये सारे सब बजते हैं, और बांसुरी भी है, और ये सब कुछ के मेल जोल में संगीत भी बजते हैं और नृत्य के छंद भी उसी के साथ साथ चलते रहते हैं। वातावरण थोड़ा सुरीला हो गया, और हम जानते हैं कि आप शास्त्रीय गायिका हैं, विशारद आपने हासिल की है, तो बिहू की कुछ पंक्तियां आपसे सुनते हैं। जो जोजना बोलते हैं, जो शुरुआती में जो बुलाया जाता है जिसको जोजना बोलते हैं। होती कोई सहने और मुगारे मोहूरा, होता तू कोई सहने हो रो মাকো তাতু কই সেনে হর বহাগর বিহু তিয়ই নে পাতি কেনে কই থাকু। बहुत खूब, ये ध्वनि ही कुछ ऐसी है कि यहाँ स्टूडियो में बैठे ही उत्तर पूर्वी भारत के हमें दर्शन हो गए।
शास्त्रीय संगीत की विशारद भी हासिल की है पापोरी ने। उनके शास्त्रीय जीवन, उस यात्रा के बारे में भी हम जानेंगे, लेकिन पहले आज का राग। भारतीय शास्त्रीय संगीत हम सबके जीवन का अभिन्न हिस्सा है। संगीत हमारे लिए खुशियों की संजीवनी है। शास्त्रीय संगीत मन के तार को छेड़कर जीवन को सुरीला बनाता है। पापोरी जी, ब्रह्म नाद कहा गया, नाद को ब्रह्म का रूप दे दिया गया, कहा गया कि सृष्टि के कण कण में ध्वनि विद्यमान है। क्या यही ध्वनि कारण बनी शास्त्रीय संगीत के जन्म की? भगवान की, प्रभु की स्तुति से शुरू होती है और उसके बाद मानव जीवन में आते हैं। लोक संगीत भी है और स्वर हमेशा ही बहुत सुखदायी होते हैं और उसी से संगीत, कविताएँ, फिर संगीत और वाद्य, सब कुछ मिलकर ही एक खूब सुंदर, एक खूबसूरत सी सृष्टि होती है। आप हिंदुस्तानी क्लासिकल गाते हैं जी, लगाव कैसे हुआ? बचपन से ही लगाव हो गया था। मेरे दादाजी ने पहले ये, मतलब मैंने सुना, मैंने दादाजी को देखा नहीं, लेकिन उनकी हारमोनियम मेरे घर में रखे थे, वो मेरे पापा ने बजाए, उन्होंने मुझे सिखाया सरगम और अलंकार, इस तरह से शुरुआत हुई। लेकिन उस समय उतना नहीं, सुगम संगीत और उसी में रह गया गाना। लेकिन जब मैं बाद में, मेरी शादी के बाद जब मैं दिल्ली आई, उस समय मैं अपनी फिर से शुरुआत की शास्त्रीय संगीत। मैंने, जब मेरी बेटी छोटी सी थी तो मैं उसे सिखाना चाहती थी और मैं चाहती थी कि घर में ऐसा माहौल हो जिसमें संगीत गूंजे और वो प्यार करे संगीत से और वो कहे कि मैं संगीत सीखना चाहती हूँ। संगीत की दुनिया की अगर बात करें तो ये खासा नुकसान कह दें इसे, बहुत या नुकसान, बहुत ही पीछे ले गया हमें। आजकल तो इस उनके संगीत सब ऑलमोस्ट सारे राग उन्होंने गाई है और सारे उपलब्ध है, लेकिन हाँ, सामने बैठकर जब वो गाती थी उसका एक अलग आनंद होता था, वो खो जाती थी। ऐसे राग जिनमें, जो कहा जाता है कि छोटा ख्याल गाया जाता है इस राग में, बड़ा ख्याल नहीं गाया जाते हैं, वो ऐसी रागों को भी बड़ा ख्याल में गाती थी। तिलक कामोद, वो इतने बड़े ख्याल में और दो दो घंटे तक वो गाती थी। वही है कि उनकी स्वर इतना विशाल थे, वो मतलब ख्याल तो यही है ना कि आप कल्पना कितना कर सकती हैं, वो इतने कल्पनाशीलता उनमें थी कि वो और बोलती थी और बोलती थी, लेकिन वो ख़त्म ही नहीं होता था। और वो बहुत छोटे ख्याल को भी वो बड़ा ख्याल के रूप में वो बहुत सुंदर तरीके से पेश करती थी, गाती थी। आप किस शास्त्रीय गायक या गायिका को सुनकर बड़ी हुई? परवीन सुल्ताना तो असम की ही थी, मैं उनकी सुनी। किशोरी जी है, गिरिजा देवी और शोभा गुर्तू, भीमसेन जोशी मुझे बहुत, और अजय चक्रवर्ती के नाम मैं ज़रूर लूँगी। वो बहुत अच्छा मुझे लगा कि उनकी खुले आवाज़ से हमेशा गाए, और उनके गाने से ऐसा एक सहज प्रवृत्ति है उनके गाने में कि
सुनकर सीख जाते हैं कई चीज़ें। जी हाँ, शास्त्रीय गायकी एकाग्रता चाहती है, सहजता चाहती है। अगर ये एकाग्रता हमें रखनी है तो हमें योग करना होगा। शास्त्रीय संगीत की दुनिया में भी योग का अपना एक अलग महत्व है। हेल्थ टिप आज सवेरे। प्राणायाम और आसनों के अलावा प्राकृतिक घरेलू उपचार भी मधुमेह में बहुत ही लाभप्रद होता है। एक्यूप्रेशर और आयुर्वेद में भी हमारी परंपराओं से हमें मधुमेह का जो उपचार मिला है, देंगे आपको उसके बारे में परिचयन। सबसे पहले लेते हैं घरेलू उपचार को। घरेलू उपचार में एक खीरा, एक करेला, एक टमाटर, 7 पत्ते नीम के, 7 फूल सदाबहार के। एक खीरा, एक करेला, एक टमाटर, 7 पत्ते नीम के, 7 फूल सदाबहार के, सबका जूस बना ले। मिक्सर में डाल करके, कूट करके, निचोड़ करके ये जूस सुबह खाली पेट पी लें। और बहुत ज़्यादा डायबिटीज़ बढ़ी हुई है तो शाम को भी ले सकते हैं आप 4-5 बजे के आसपास। खीरा, करेला, टमाटर का जूस सदाबहार के फूल और नीम के पत्ते डाल करके पीने से मधुमेह में अत्यंत लाभ होता है। और धीरे धीरे शुगर की जो एलोपैथी की गोलियां हैं वो आपकी बंद होने लगती हैं और नेचुरल वे में आपका शुगर कंट्रोल होने लगता है और पेनक्रियाज की बीटा सेल्स रिएक्टिवेट होने लगते हैं। इसके साथ साथ ये खास बात होगी कि डायबिटीज तो कंट्रोल होगी, उसके कॉम्प्लिकेशंस भी नहीं होंगे। ये तो था घरेलू उपचार डायबिटीज़ के बारे में, जो हर घर में जो सामान उपलब्ध होता है। रात को 2-3 ग्राम मेथी दाना भिगो दें, सुबह खाली पेट खा लें, उससे भी मधुमेह नियंत्रित हो जाता है मेथी का सेवन करने से। जामुन खाएं जब सीजन में जामुन आता है, उसके बाद उसकी गुठलियां रख लें या बाजार से खरीद भी सकते हैं आप। जामुन की गुठलियां पाउडर करके 2-3 ग्राम सुबह शाम खाने से भी मधुमेह में अत्यंत लाभ होता है। चिरायता और कालमेघ का प्रयोग हमारे यहाँ पर सदियों से मधुमेह के लिए होता है। चिरायता थोड़ा महंगा होता है, कालमेघ थोड़ा सस्ता होता है। चिरायता, कालमेघ ऐसे उसकी डंडी पानी में डाल दें, उसका पानी ही पी लें, उससे ही फायदा हो जाता है। जी हाँ, ध्यान और योग एक ऐसी ही विधा है जिसके माध्यम से एकाग्रता आ सकती है। पापोरी गोस्वामी आज सवेरे हमारे साथ हैं। शास्त्रीय गायिका हैं आप, और इसके अलावा इनका व्यक्तित्व बहुत से आयाम छू कर आता है। लेकिन सबसे पहले पापोरी, मैं आपके नाम का मतलब जानना चाहती हूँ। जी, मेरा नाम का मतलब पंखुड़ी है, फूलों के। उतनी ही नाजुक हैं आप? मैं उतनी नाजुक नहीं हूँ। दरअसल नाजुक होना और अंदर से मन को शक्तिशाली, एक्चुअली हम औरतें, मैं अपनी बात नहीं, मैं पूरी औरतों की बात कहती हूँ, उनके अंदर एक बहुत बड़ा शक्ति है, वो बहुत रखती है उसे, और किस तरह से उन्हें हमेशा ये अपने आप में महसूस करना चाहिए, किस तरह से उसे बाहर निकाले, कितने स्ट्रांग हैं वो, और ये किसी काम से नहीं देखा जाता, अंदर से अपने मन से वो हमेशा शक्तिशाली होती है। उसी तरह से मैं भी हूँ। आसाम में पली बड़ी हैं आप? जी, मैं आसाम में गुवाहाटी में पली बड़ी हूँ और वही रही जब तक मैंने एमए नहीं कर लिया। मैंने 2 सब्जेक्ट में एमए किया है। बचपन कैसा बीता वहाँ? मेरा बचपन बहुत नेचर के साथ बीता, क्योंकि मैं बचपन में, मेरे 2 छोटे भाई थे लेकिन मैं बड़ी थी, जब तब मैं नानी के घर चली जाती थी और वो एक गाँव था, उस गांव में मैं बहुत दौड़ दौड़ के, मतलब खेतों के बीच में, और इस तरह से बड़ी हुई। ऐसा हुआ कि पूरी पूरी रात चांदनी रात देख देख कर सोए खुले मैदान में। तो मेरी बचपन बहुत ही फूलों और पत्तों के बीच में, खेतों के बीच में बीता। किसने आपके जीवन में सबसे ज़्यादा प्रभाव डाला? मेरे जीवन में मेरे दादी और मेरे पापा ने बहुत प्रभाव डाला, दादी ने बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैं बताऊं, दादी ऐसे ही होती है कि रामायण और महाभारत और धर्म की कहानियाँ सुनाती है, लेकिन मेरी दादी हमेशा मुझे कहती थी कि ये सारी चीज़ें पढ़ो लेकिन पूजा घर में बैठकर नहीं, अपने स्टडी टेबल में बैठकर पढ़ो, क्योंकि ये ज्ञान के लिए होना चाहिए। उन्होंने हमेशा कहा कि भगवान की पूजा के बदले गुरुओं की पूजा करो, क्योंकि वो तुम्हारे सामने साक्षात होते हैं और वो तुम्हें देते हैं। अगर आम भाषा में कहे तो बहुत मज़े लेकर ये कह सकते हैं कि दादी ने मुझे बिगाड़ दिया, लेकिन हाँ, उन्होंने मुझे हमेशा बहुत स्ट्रॉन्ग बनाया
किताब पढ़ने के लिए उन्होंने प्रेरित किया। हमेशा मुझे ये कहती रही कि जिस दिन किताब पढ़ना बंद कर दोगी, जिस दिन तुम पढ़ना बंद करोगी, जानना बंद करोगी, और उसी दिन तुम रुक जाओगी, उसी दिन तुम्हारा ख़त्म हो जाएगा पर्सनैलिटी, तुम्हारी व्यक्तित्व, और तुम हमेशा वर्तमान में जियो। तुम्हारी उम्र तो किसी भी हद तक चली जाएगी, अभी तुम अपने बड़ों के साथ हो क्योंकि वो वर्तमान में है, फिर तुम तुम्हारी वर्तमान आएगी और फिर तुम अपने बच्चों के साथ वर्तमान में रहोगी। अगर हम बचपन की बात करते हैं और आज पापोरी की बात करते हैं, तो एक प्यास सी दिखती है आप में। आपने संपादन किया, आपने स्क्रिप्टिंग की, आपने अनुवाद किया, 15 साल का अनुभव आपको शास्त्रीय गायकी का है, और उसके बाद आपने कला संस्कृति के कई कार्यक्रमों का पूर्वावलोकन भी किया है दूरदर्शन के लिए। जी जी, तो कहाँ जाना चाहती थी पापोरी? मैं बस यही रहना चाहती हूँ, मैं कहीं नहीं जाना चाहती, और चारों तरफ का जितना रूप रस गंध है उसे समेट कर अपने पास रखना चाहती हूँ। आप अनुभव लेना चाहती? जी, मैं बिल्कुल। और यही अगर हमने नहीं किया तो हम अगर जाने के बारे में सोचे कहीं तो किसी चीज़ का हमें स्वाद मिलेगा ही नहीं। जहाँ हूँ वहाँ ठहर के सब कुछ ले के, सबको देख के अनुभव करना चाहती हूँ। अभी भी मैं लिखती हूँ और लिखती रहूँगी। आपने कभी ये नहीं सोचा कि मैंने इस शिखर को छू लेना है अगर मैं एक ही रास्ता तय करती हूँ? बहुत ज़्यादा एक ही दिशा में जब शिखर तक ऊपर पहुँच जाते हैं लोग तो नीचे कुछ नहीं दिखता, वो शून्य होता है। इसलिए शिखर नहीं, लोगों के बीच में रहकर काम करना चाहती हूँ। बहुत ही गहरी बात पापोरी गोस्वामी ने यहाँ पर कह दी है कि हम लोग तसल्ली नहीं रखते हैं, हमारे पास सेटिस्फैक्शन का अभाव हो जाता है। जिस जगह हम खड़े हैं और हम सेटिस्फाइड हैं, हम वहीं मान लें कि हम सफल हैं। ये बातचीत जारी रहेगी इस विराम के बाद। सरिता जी, इन दिनों आप अपने खान पान का ध्यान तो रखती हैं ना? अरे ये क्या, भोजन में साधारण नमक? आयोडीन युक्त नमक का इस्तेमाल करें। आपके शरीर में आयोडीन की कमी से आपका शिशु शारीरिक और मानसिक रूप से कमजोर हो सकता है। आयोडीन नमक इन सारी परेशानियों से आपको बचा सकता है। ये नमक बाजार में आसानी से उपलब्ध है। बच्चों को हंसता खेलता बचपन दें, अपनी संतान का भविष्य सवारें। सवारी जिंदगी, चुटकी भर नमक, आयोडीन नमक। आज सवेरे स्वागत है आपका एक बार फिर से। पापोरी गोस्वामी, बहुआयामी प्रतिभा की धनी पापोरी, जो ये मानती हैं कि जीवन में संतुष्टि ही सफलता की परिभाषा है, अगर आप संतुष्ट हैं तो आप सफल हैं। उनकी संतुष्टि की चाबी आज हम जानने की कोशिश कर रहे हैं, उस चाबी से अपने मनस के ताले भी आज हम खोलेंगे। पापोरी, आपने शुरुआत जब की, अब लगा कि नहीं, अब करियर को आगे बढ़ाना है, तो पहला कदम क्या था? मैं पढ़ाना चाहती थी बच्चों को, और बहुत कम उम्र में मैं पढ़ाती थी। मैंने 10वीं क्लास पास किया था, तो मैंने सेंट मैरीज में छोटे बच्चों को राइम्स पढ़ाया था। दरअसल मैंने हमेशा अपने पैरों पर खड़े होने वाली, जो ये बात आजकल सभी कहते हैं, वो मैंने उसी समय से किया था। मैंने 10वीं क्लास के बाद से लेकर एमए पास करने तक कभी मैंने मैं अपने पापा से बोल के कि उनसे कभी खर्च नहीं लिया, मैंने अपने खर्च से पढ़ाई की, और उनको बहुत अच्छा लगता था, मज़ा आता था। उन्होंने कहा कि मैं हूँ तुम्हारे साथ और तुम करो। तो मैं सबसे पहले मैं पढ़ाती, और पढ़ाकर मुझे बच्चों को पढ़ाकर बहुत अच्छा लगता था। और दूसरी बात, मैं लिखती थी, और जब मैं ग्रेजुएशन कर चुकी थी तभी से मैं जनसत्ता न्यूज़पेपर में मैंने आर्टिकल भेजा था असम के, मेरे टॉपिक वही होता था कि साहित्य संस्कृति असम की आर्ट एंड कल्चर के ऊपर मैं आर्टिकल्स लिखती थी। राइटिंग के लिए आप स्वच्छंद होते हैं, आपकी कलम जो लिखना चाहे आप वो लिख देते हैं, लेकिन अनुवाद कहीं ना कहीं बंद जाता है। ऐसे में अगर हम स्क्रिप्ट के अनुवाद की बात करें या साहित्य के अनुवाद की बात करें, कितना अंतर है दोनों में? जब मैं खुद लिखती हूँ तो मैं स्वतंत्र होती हूँ, मैं कुछ भी लिख सकती हूँ जो मुझे मन हो, लेकिन जब मैं अनुवाद करती हूँ तो मैं उस व्यक्ति को भी जानती हूँ जो अनुवाद, जिन्होंने लिखा है। मैं हमेशा मैं उन्हीं का अनुवाद करी हूँ, आज तक 3 भाषाओं में अनुवाद करती हूँ, लेकिन मैंने हमेशा कोशिश की मैं लेखक से मिलूँ, क्योंकि लेखक से मिलने के बाद उनके व्यक्तित्व का पता चलता है, उनके व्यक्तित्व का पता चलता है तो उनकी लेखन का पता चलता है, और उनके भाव का पता चलता है, उनके सेंटिमेंट का पता चलता है, और वो बहुत आसान हो जाता है। और उस ये एक विशाल चीज़ है, अनुवाद करना बहुत मेरे लिए
सुखद रहा, क्योंकि उससे मैं लोगों से मिलती हूँ, एक तरह से लोगों से मिलती हूँ, एक तरह से उनकी जिन मैं जब भी कोई पढ़ती हूँ कोई चीज़ अनुवाद करने के लिए या किसी भी चीज़, क्योंकि अनुवाद करती हूँ इसलिए कुछ पढ़ती भी हूँ तो मुझे मेरी नज़रिया उसी तरह जाती है कि ये असमिया में कैसा लगेगा, ये हिंदी में कैसा लगेगा, बांग्ला में कैसा लगेगा, और उसी समय मुझे उस एक नए व्यक्ति के बारे में पता चलता है कि फला व्यक्ति ने ये लिखा है तो वो व्यक्ति कैसा होगा, और फिर मैं उनसे मिलने की कोशिश करती हूँ, और अक्सर ऐसा हुआ है। आपने कई भाषाओं में अनुवाद किया, हिंदी से असमिया में, असमिया से हिंदी में, ऐसे में जब ये सवाल आता है कि अनुवाद सही नहीं हुआ, साहित्य का जो उसका मूल था वो नहीं रहा, ये जो अंदेशे लगाए जाते हैं अनुवाद के बाद, उसे आप किस तरह से देखती हैं? असम इतनी दूर है, वहाँ से कुछ तो आए कि वहाँ इतना अलग है, सब कुछ सोच अलग है, कुछ तो इसीलिए बहुत लोग उसको अनुवाद ना कह के रूपांतर कहते हैं। जितना आप बता सकेंगी, मतलब किसी भी चीज़ के बारे में आप डिस्क्राइब करती हैं कितना, कि जितना आप कर पाएंगे उतना ही समझेंगे लोग, उतना ही महसूस। और एक बात है, समझना और महसूस करना ये दोनों अलग अलग बात है। कोई कोई रूपांतर या अनुवाद हमें समझाते हैं कि ये ऐसा समाज है, वहाँ ऐसा चलता है, लेकिन कोई कोई अनुवाद या साहित्य ऐसा होता है जिसमें हम समा जाते हैं, जिसमें हम चले जाते हैं और उसी के अंश बन जाते हैं, वही सफल अनुवाद है जो ऐसा ये फ्लो बना कर रखते हैं। आपको बधाइयाँ दी जाती हैं असम के साहित्य को देश दुनिया तक पहुँचाने की और हिंदी साहित्य को असम तक लेकर आने की। ऐसे में अगर आपकी अनुवाद की हुई कृतियाँ देखते हैं तो इंदिरा गोस्वामी का बहुत प्रभाव दिखता है आप जी, पर। मैं जब दिल्ली में आई थी तो वो यहीं पर थी और मुझे उनसे 1993 के साहित्य अकादमी के तरफ से एक जो वर्कशॉप हुआ था तो उसकी मैं उसमें भागीदार थी मैं, और तब मुझे पहली बार वो मिली थी। और वो ऐसी महिला थी कि उन्होंने पहले ही दिन मुझे कहा कि तुम तो मेरी छोटी बहन हो रहा हो, और मैं उनके घर छात्र मार्ग में उनके क्वार्टर में जाती रही और करीब 10 साल तक मैं उनके आगे पीछे, और इसीलिए छोटी सी छोटी शब्द अर्थ के लिए मैं उनको फ़ोन करती थी तो कहती थी नहीं तुम मेरे पास आ जाओ, तो उनके पास रही, उनके संगत रही, और मैं अपने आप को बहुत भाग्यवान समझती हूँ, सौभाग्यवान समझती हूँ कि ऐसे, इसलिए नहीं कि वो ज्ञानपीठ अवार्डी है, इसलिए नहीं कि वो साहित्यकार है, इसलिए कि बहुत अच्छी महिला थी और बहुत प्यार करती थी, और उनसे इसलिए बहुत कुछ सीखने को मिला। इंदिरा गोस्वामी की छिन्नमस्ता जी, जो हिंदी के पाठकों ने बहुत सराही, ज्ञानपीठ ने वो छपवाई भी, उसे किस तरह से आप देखती हैं, और जब इसके अनुवाद की बारी आई थी तो कैसे तैयारी की थी? उसकी तैयारी के समय तो किताब छपकर भी असमिया में नहीं आई थी, वो एक एक खंड लिखती रही और मुझे भेजती रही। अच्छा। फोटो कॉपी करके, उस समय ऐसा कुछ इतना टेक्नोलॉजी नहीं था कि लैपटॉप में और इसमें हो सकता था, हाथ से लिखते थे, और वो एक एक खंड लिखती थी और मैं एक एक खंड अनुवाद करती रही। जैसे ही असमिया आया था किताब, और इस उपन्यास की खास बात यह है कि बलि विधान के खिलाफ था वो किताब, किस तरह से किसी का हत्या कर देना, किसी जीव का हत्या कर देना, किस तरह से किसी का मानसिक हत्या भी हो सकता है, ये इस किताब में बहुत स्पष्ट रूप में है। तो क्या ये माना जा सकता है कि इंदिरा गोस्वामी को पढ़ने के बाद उत्तर पूर्व को जाना जा सकता है? सिर्फ उत्तर पूर्व नहीं, वो क्योंकि यहाँ रही, दिल्ली में रही, लेकिन वो हमेशा असम के लिए रही, क्योंकि मैं वहाँ जाकर रहूँगी, कभी वहाँ यहाँ पर उन्होंने मकान भी नहीं बनवाया, और उन्होंने कहा मुझे तो अपना घर में रहना है। उनके साहित्य में नदी बहुत प्रभाव डालती है, नदी, और उनको लगता था नदी हमेशा बहुत सुंदर है, उन्होंने अलग अलग जगह में कौन कौन सी नदियाँ देखी और उन्होंने क्या महसूस करवाया ये बताया, लेकिन ब्रह्मपुत्र वो लाल नदी कहती थी कि जैसे हृदय में चले जाती है तो वो बिल्कुल एक लकीर खींच देते हैं कि वो नदी क्या नदी है, तो इस तरह से वो नदी से प्रभावित थी। लेकिन हाँ, आपने जो पूछा है कि हाँ, असम के लिए तो थी, एक बिल्कुल बोध कराते थे कि वो हमारे लिए कुछ है जो हमें आगे बढ़ा रहे हैं, उनके साहित्य हमें आगे बढ़ा रहे हैं, नए नए नज़रियों से हमें देखना सिखा रही है। जहाँ आप पैदा हो, जहाँ आपने अपना बचपन बिताया हो, वो जगह यादों में रहती है जी, लेकिन उसके बावजूद कुछ और ऐसी बातें होती हैं जो उस जगह से आपको जुड़े रखती हैं। आप भी दिल्ली आ चुके हैं जी, कई साल हो गए, तो ऐसे में जब आप आसाम को याद करती हैं तो किस रूप में देखती हैं? दरअसल आसाम मेरा प्रेम है वो इसलिए क्योंकि ऐसा कहावत है
कि जब आप किसी से प्रेम करो, जिस किसी से प्रेम हो, चाहे वो व्यक्ति हो, चाहे कोई जगह हो, चाहे कोई कोई भी चीज़ हो, और वो जब बिल्कुल पीक पर होता है प्यार, और तभी वो छूट जाए। वो गुवाहाटी मेरे इसलिए इसी तरह से छूट गई थी। मैं अचानक गुवाहाटी छोड़कर भोपाल आई थी, फिर दिल्ली आ गई थी। कोई प्लान नहीं था, मेरी शादी अचानक हो गई थी, और मैं बिना किसी नोटिस की उस जगह को, पूरी जगह को छोड़ दी थी। तो वो अभी भी मैं याद करती हूँ, तो अभी भी बहुत बार गई हूँ और आई हूँ, सब कुछ हुआ, लेकिन वो जो छोड़ देना, वो जो छूट जाना, वो जो एहसास है, वो मैं भूली नहीं हूँ। आसाम की चमक अगर आप भी देखना चाहते हैं तो हमारे ट्रैवलॉग में आज हम आपको सेवन सिस्टर्स यानी कि नॉर्थ ईस्ट की उन्हीं सेवन स्टेट्स के दर्शन करवाते हैं। गुवाहाटी असम का एक महत्वपूर्ण शहर है, ये नॉर्थ ईस्ट का प्रवेश द्वार भी है। गुवाहाटी प्राकृतिक नजारों, जैव विविधता और धार्मिक महत्व का प्राचीन शहर है। गुवाहाटी को जाना जाता है कामाख्या मंदिर के कारण। कामाख्या को शक्ति पीठ के रूप में मान्यता दी गई है। ऐसा कहा जाता है कि सती के शरीर के अंग जहां जहां गिरे वो शक्ति पीठ कहलाया। कामाख्या में सती की योनि गिरी और इसे शक्ति पीठ के रूप में माना जाने लगा। कामाख्या मंदिर गुवाहाटी से 9 किलोमीटर दूर नीलांचल पर्वत पर है। गुवाहाटी में मौजूद चिड़ियाघर में भारतीय और अफ्रीकी गैंडे, सफेद शेर, चीते और पूर्वोत्तर भारत में पाई जाने वाली पक्षियों की कुछ दुर्लभ प्रजातियां देखने को मिलती हैं। गुवाहाटी का पर्यटन मेघालय के चेरापूंजी और शिलोंग जाए बिना अधूरी रहती है। शिलोंग और उसके बाद चेरापूंजी की यात्रा बहुत ही खूबसूरत राहों से होकर जाती है। सड़क के दोनों ओर फैली हरियाली मन मोह लेती है। शिलोंग में समुद्र तल से करीब 1900 मीटर ऊंची शिलोंग पीक यहाँ की सबसे ऊंची चोटी है। यहाँ से पूरा शहर बहुत ही खूबसूरत नजर आता है। यहाँ बहुत ही सुंदर व्यू पॉइंट्स हैं। शिलोंग से 12 किलोमीटर दूर एलिफेंटा वाटरफॉल है। इस वाटरफॉल की खूबसूरती भी देखते ही बनती है। शिलोंग से आगे चेरापूंजी को घूमकर एक दिन में वापस आया जा सकता है, और यहाँ की घाटी कई तरह की वनस्पतियों से समृद्ध है। चेरापूंजी का सबसे आकर्षक स्थान है नोह कलिकाई झरना। 1000 फीट ऊपर से गिरता ये दुधिया झरना पर्यटकों को अभिभूत कर देता है। शिलोंग या चेरापूंजी के रास्ते थोड़ा और आगे निकल जाएं तो पहुंच जाएंगे एशिया के सबसे साफ गांव मावली नोंग में। यहां की खूबसूरती और स्वस्थ वातावरण आपको आनंदित कर देगा। खासी हिल्स जिले के इस गांव में 95 परिवार रहते हैं। यहां सुपारी की खेती आजीविका का मुख्य साधन है। पूरे गांव में हर जगह कचरा डालने के लिए बांस के डस्टबिन लगे हैं। तो एक टूर प्लान गुवाहाटी, शिलोंग और चेरापूंजी का बनाना चाहिए और उत्तर दक्षिण से हटकर पूर्व के राज्यों की खूबसूरती का आनंद उठाना चाहिए। नॉर्थ ईस्ट के वो खूबसूरत वादियां तो नहीं, लेकिन वहां की खुशबू, वहां का एहसास लिए एक बहुत ही खास शख्सियत आज हमारे साथ यहाँ स्टूडियो में मौजूद है, पापोरी गोस्वामी। पापोरी, भूपेन दा भी बहुत ही गायकी में अगर बात करें और उत्तर पूर्व के संगीत को दुनिया तक पहुंचाने में उनका एक अलग मुकाम रहा है, उनका आपके जीवन पर कितना प्रभाव रहा? उनके साथ ही हम बड़े हुए हैं, उनको छोड़कर हम सोच ही नहीं सकते कुछ भी। जीवन के हर मोड़ पर, जीवन के दैनंदिन हर काम पर भूपेन दा हमेशा हमें साथ रहे। भूपेन दा के बाद नॉर्थ ईस्ट में किस गायक को आप ज़्यादा पसंद करते हैं? बहुत है, पुलक बैनर्जी हैं, जिनकी वही बात है, जिनकी संगीत चाहे किसी भी विवरण से हो, लेकिन उनकी आवाज़ में वो मिठास थी कि वो जो भाव उनके गानों में। और दूसरा मैं कहूँगी जयंत हजारिका, जो भूपेन दा के भाई, छोटे भाई रहे, उनकी स्वर में वो जादू थे, उनकी आवाज़ में इतनी मिठास थी कि मेल सिंगर होने के बावजूद उनके सारे मतलब गाने गुनगुनाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप गाती भी हैं, संगीत का आपको ज्ञान है, आप स्क्रिप्ट राइटिंग भी करती हैं, आप अनुवाद भी करती हैं, तो ऐसे में कविता से आप अछूती नहीं हैं? नहीं, मैं कविता हमेशा साथ में रखती हूँ। वो आपके चेहरे की मासूमियत बता रही है, क्योंकि एक कवि हृदय होता है, एहसास उतना ही मासूम होता है, छोटी छोटी बात पे चहक जाना, तो वो पापोरी के व्यक्तित्व की बहुत बड़ी खासियत है। अगर आप अपने पास रखती हैं तो अपनी कविता की कुछ पंक्तियां सुनाइए। एक कविता है बारिश की खोज में,
क्योंकि असम बारिश के स्टेट है, तो और मुझे बारिश सबसे ज़्यादा पसंद है। वो जा रही है बारिश की खोज में, क्योंकि वो बारिश से ही बनी थी। उसकी आंखें बारिश की बूंदें जैसी, उसकी बाहें सरसराती ठंडी हवाओं की लहरें, उसकी देह किसान के पसीने और मिट्टी से श्रृंगारित, उसकी सांसों में सावन की नमी, धान के खेत से पसरे आंचल में क्या कुछ बांध रखती थी वो, भीगे मौसम से जो चुन कर लाई थी, झिंगूर की बोली, जुगनू, छितकबरों, तितलियां, मिट्टी की सौंधी सुगंध। वो जा रही है बारिश की खोज में, वो जहाँ रहती है वहाँ बारिश तो है, बारिश में नहाया भी जा सकता है, पर बारिश का अंश नहीं बन सकते, बादल पास आकर गले नहीं लगाते। वो जहाँ रहती थी वहाँ वो समा जाती थी बादलों में, बादल और नमी से लबालब डूबी रहती थी वो, आकाश में बिखरे सुरमई रंगों के साथ सूरज की लुका छिपी मगन होकर देखती थी। वो जा रही है बारिश की खोज में, कुछ बारिश साथ लाने कि उसके आंचल की मिट्टी फिर से उर्वर हो एक बार हरियाली के साथ। ब्लेस्ड होते हैं वो लोग जो प्रकृति के आंचल में पैदा होते हैं, और आपके पास भी वो सौगात मौजूद है। नॉर्थ ईस्ट को हमारे जो दर्शक हैं इस वक्त और नज़दीक से जानना चाहते हैं और पढ़ने में भी रुचि रखते हैं, तो कौन सी ऐसी पुस्तकें आप उन्हें एडवाइस करेंगे कि वो पढ़ें? बहुत सारी किताबें हैं जो भविंद्रनाथ सैकिया की जो कहानियाँ हैं, जो जिसका मैंने अनुवाद भी की थी, श्रृंखल नाम से, जिसको साहित्य अकादमी अवार्ड भी मिला है। उनकी कहानियों में ये खासियत है कि उन्होंने असम के लोक जीवन को, एक एक खाली सिर्फ लोक जीवन नहीं, एक एक व्यक्ति की पर्सनैलिटी को, एक व्यक्ति क्या सोचती है, एक लड़की क्या सोचती है, एक आदमी क्या सोचते हैं, इस तरह से कहानियाँ लिखी। मैं ज़रूर कहूँगी कि उनकी कहानियाँ और मोहिम बरा देव की कहानियाँ, वो भी लोक जीवन पर आधारित है। उनकी कहानियाँ पढ़ने से ये पता चलता है कि वहाँ के लोग कैसा है, वो क्या सोचते हैं। आने वाले समय में पापोरी की कौन सी मूल रचना हम पढ़ने वाले हैं? मैं कुछ अभी हाल में कुछ कविताएँ, हिंदी कविताएँ अनुवाद कर रही हूँ, और कुछ कविताएँ खुद लिख रही हूँ, लिखे हुए हैं, जिसको मैं समेट रही हूँ, कि और कुछ कहानियाँ भी, छोटी छोटी कहानियाँ जिसमें औरतें, और मैं सिर्फ औरतों की बात नहीं कहती, हर व्यक्ति, मैं एक इस तरह से सोचती हूँ, दुनिया में जितने भी इंसान हैं, जो व्यक्ति है, वो क्या सोचते हैं, वो क्या महसूस करते हैं, एक मानवतावादी, ये भी मैंने इंदिरा जी से सीखा कि स्त्री, उनकी रचनाओं को बाद में लोगों ने स्त्रीवादी कहा, लेकिन वो मानवतावादी थे। मानव को किस तरह से सोचा जाए, एक आदमी को भी, एक औरत को भी, अगर हम ठीक तरह से समझ पाएंगे तो बहुत खुशहाल ज़िंदगी और बहुत खुशहाल दुनिया हो सकती है। आपकी खुशी आपके चेहरे से झलकती है। हमारे दर्शक सकारात्मक बने रहें, हर लम्हा हर घटना को सकारात्मकता से लें, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? हमेशा काम करें और सोचें कि क्या हम आने वाले प्रजन्म को क्या दे रहे हैं, इस बारे में सोचें। और वही जो मैंने पहले कहा था कि क्या मिलेगा ये ना सोचें, और क्या दे रही हूँ इस पर ज़्यादा फोकस करें। कर्म करते चले जाने हैं और अकर्ता भाव से अपने कर्म करते चले जाने हैं, ये केवल धर्म ग्रंथों में लिखी पंक्ति ही नहीं है, ये जीवन जीने का रहस्य भी है। और इसी रहस्य को एक बार फिर से उजागर कर दिया पापोरी गोस्वामी ने। पापोरी, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। शुक्रिया। आने वाले समय में हम आपकी रचनाएं भी, उनका भी इंतज़ार करेंगे, और आपके अनुवाद के माध्यम से नॉर्थ ईस्ट को और नज़दीक से जानने की भी कोशिश करेंगे। इसी कामना के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। हमारा शरीर, ये संपूर्ण जगत एक ध्वनि, एक कंपन ही है। अलग अलग ध्वनियाँ हमारे जीवन पर अलग अलग तरह से असर डालती हैं। संगीत के इस महत्व को हम और आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते, इसीलिए आज सवेरे जाते जाते आपके लिए ये बिहू गीत छोड़े जा रहे हैं। आप इसे देखिए, इसका आनंद लीजिए, और आज सवेर पर अगर आप हमें कोई प्रतिक्रिया देना चाहते हैं तो आप हमें मेल कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है aajsavere@dkdelhi.org.in। फिलहाल हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।